दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में अपनी पहली उपस्थिति के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो वैश्विक शैक्षणिक मानकों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गयी। वैश्विक स्तर पर DMIHER को समग्र श्रेणी में 1001 से 1200 के बैंड में, चिकित्सा और दंत चिकित्सा श्रेणी में 628 स्थान पर और अन्य स्वास्थ्य श्रेणी में 773 स्थान पर स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर DMIHER को चिकित्सा और दंत चिकित्सा श्रेणी में 12वां, अन्य स्वास्थ्य श्रेणी में 20वां और समग्र श्रेणी में 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला मापदंड अनुसंधान गुणवत्ता है, जो विश्वविद्यालय की उच्च गुणवत्ता और प्रभावशाली अनुसंधान का प्रमाण है। इस वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन ने 115 देशों और क्षेत्रों के 2867 से अधिक संस्थानों की रैंकिंग की। पिछले वर्ष की 122 भारतीय विश्वविद्यालयों की तुलना में इस वर्ष कुल 133 विश्वविद्यालय को रैंक दिया गया है। THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किंग्स 2025, जिसे विश्वविद्यालय के प्रदर्शन का सबसे व्यापक मूल्यांकन माना जाता है, 5 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है: शिक्षण, अनुसंधान, वातावरण, अनुसंधान गुणवत्ता, उद्योग सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संकेतों के माध्यम से दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करती है। विद्यापीठ की 25 नर्सिंग विद्यार्थियों का जर्मनी के अंतर्गत प्लेसमेंट हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टूडेंट, जो अत्यंत सामान्य परिवारों से आती हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन से इतने बड़े नंबर का अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट और स्पेशली जर्मनी जैसी लीडिंग कंट्री में होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानांकन और बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जो निश्चित तौर के ऊपर में अभिमानास्पद है कि सामान्य घरों की बच्चियों का इस प्रकार से उत्कर्ष प्राप्त करना, ये सराहनीय है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्लेस नहीं होते, पर एक मुश्त इतनी बड़ी संख्या का एक इंस्टीट्यूशन की विद्यार्थियों का प्लेस होना, ये निश्चित तौर पर इंस्टीट्यूशन के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। अन्य दो बुनियादी चीज़ों के लिए मैं निश्चित तौर के ऊपर मैं आपको संबोधित करना चाहूँगा। पहली उपलब्धि ये कि हिंदुस्तान की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जागतिक मानांकन संस्थाओं के द्वारा मानांकन प्राप्त करना। दुनिया की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण मानांकन संस्थाएं हैं जो जागतिक तौर पर स्वीकृति प्राप्त हैं, जिनमें टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, QS रैंकिंग और शंघाई रैंकिंग, जिनमें टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग अत्यंत मानांकित मानांकन प्रक्रिया है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये देश के स्तर के ऊपर में नेशनल एसोसिएशन NAC के द्वारा मानांकन की दृष्टि से अत्यंत उच्च रैंक से मानांकित है। A++ ग्रेड के साथ ही देश के अंतर्गत हेल्थ साइंसेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सर्वाधिक 4 में से 3.78 स्कोर के साथ देश की नंबर 1 पर मानांकन प्राप्त हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी है। QS रैंकिंग के अंतर्गत भी इसका नामांकन अत्यंत उच्च रहा, परंतु टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में पहली बार यूनिवर्सिटी ने अपने आप को प्रवेशित किया। और यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है कि प्रथम प्रयास में ही जिस प्रकार का मानांकन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यापीठ को प्राप्त हुआ, जिसके तहत हाल ही में घोषित परिणामों के तहत 1000 से 1200 जागतिक स्तर पर, इन द ब्रैकेट ऑफ 1000 to 1200 इंस्टीट्यूशंस, इसमें विद्यापीठ का ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत नामांकित होना, 3 प्रमुख पैरामीटर्स टीचिंग, रिसर्च क्वालिटी और इंटरनेशनल एक्सपोजर, इनके अंतर्गत अत्यंत उच्च स्कोर को प्राप्त करना, अगर आप इसके अंतर्गत ओवरऑल देखें तो इन तीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में उसका 1000 के अंतर्गत रैंक आना, और देश की अगर देख की बात की जाए तो 133 यूनिवर्सिटीज़ को टाइम्स हायर एजुकेशन के इस घोषित परिणाम में मानांकन मिला, और इन 133 जिसके अंतर्गत अत्यंत देश की मानांकित IITs, IIMs इनका समावेश है, उस परिपेक्ष के अंतर्गत
यूनिवर्सिटी का 45वें नंबर का मानांकन देश में टाइम्स रैंकिंग के अंतर्गत प्राप्त होना, और अगर महाराष्ट्र की दृष्टि से विचार किया जाए और हेल्थ साइंसेस की दृष्टि से विचार किया जाए तो टॉप 10 हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानांकन मिला उसमें विद्यापीठ का समावेश होना। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो इन टॉप 10 हेल्थ साइंसेस में से 3 विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के हैं, जिनमें सिम्बायोसिस विद्यापीठ, डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे और दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, उनमें सर्वांग सबसे बेहतर स्थान का प्राप्त होना, ये अपने आप में अत्यंत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो विद्यापीठ की दृष्टि से उसके सामूहिक नेतृत्व के दायरे में और आदरणीय चांसलर महोदय उनके विजन के ट्रांसलेशन के रूप में प्राप्त हुई, यह सचमुच में स्पृहणीय है, अत्यंत एक निश्चित तौर के ऊपर में मील का पत्थर साबित हुई है। मैं चाहूँगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्जीवियर, ये दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट इसकी एनुअल घोषणा करते हैं, और अत्यंत विनम्रता से मैं कहना चाहूँगा कि इस बार इस घोषणा के अनुरूप टॉप 2% साइंटिस्ट इन द रेलिवेंट स्पेशलिटीज इन द वर्ल्ड, इसमें 4 फुल टाइम फैकल्टी यूनिवर्सिटी की और 4 एडजंक्ट फैकल्टी, ऐसे कुल मिलाकर 8 शिक्षकों का इस जगत दुनिया की रिसर्च की उच्चतम लिस्ट में समावेशित होना, ये किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। इस प्रकार की 3 अत्यंत व्यापक उपलब्धियों का एक प्रारूप लोगों के समक्ष आए, और एक छोटी सी जगह, वो विद्यापीठ जो 2005 के अंतर्गत शुरू हुआ, जिसकी कुल उम्र भी अभी 20 वर्ष नहीं है, उसके द्वारा इतनी मानांकित स्थितियों को प्राप्त करना, ये सचमुच देश के उच्च शिक्षण के लिए एक अत्यंत आशा का केंद्र है, गुणवत्ता के वृद्धिकरण का केंद्र है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के विश्वगुरु की संकल्पना का निवेदन हमेशा किया करते हैं, उस दृष्टि में हम इसे एक अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण कदम मानते हैं जो जागतिक तौर के ऊपर में हिंदुस्तान के उच्च शिक्षण को मानांकन की दृष्टि से प्रमाणित किए जाने का एक अत्यंत स्तुत्य सा प्रयास हमारी ओर से है, ये हमारी धारणा और मान्यता है। DMIHR के इतिहास में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय कुलाधिपति दत्ता मेघे की दूरदर्शी दृष्टि, मुख्य सलाहकार डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, प्रधान सलाहकार सागर मेघे, कुलपति डॉ. ललित भूषण बाघमारे और प्रो कुलपति डॉ. गौरव मिश्रा के कुशल नेतृत्व को जाता है। रजिस्ट्रार डॉ. श्वेता पिसुलकर, डॉ. संदीप श्रीवास्तव, डॉ. जहीर काजी, डॉ. तृप्ति वाघमारे, डॉ. प्रवन बजाज, ब्रजेश लोहिया, सचिन कालस्कर, संस्थानों के प्रमुखों और DMIHR की घटक इकाइयों के निदेशकों के निरंतर प्रयासों ने DMIHR को शैक्षणिक उत्कृष्टता के वैश्विक मंच पर पहुंचा है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।